नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। छठ पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बाहरी जिला पुलिस सतर्क, एडिशनल डीसीपी ने बुलाई बैठक। दिल्ली में आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूजा समितियों के साथ ही पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटी है। इसमें दिल्ली प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन का लगातार सहयोग मिल रहा है। बाहरी जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा के निर्देश पर सर्च समितियों एवं छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखकर वीरवार को एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में संबंधित सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान एडिशनल डीसीपी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में पूजा समितियों के साथ भी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग आदि को लेकर बातचीत की गई। आपको बताते चले कि 30 अक्टूबर रविवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा एवं 31 अक्टूबर को प्रातः सूर्योदय को अर्घ्य दिया जाएगा। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाहरी जिला के अंदर, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी। बात करते हैं जिस तरीके से छठ पूजा का पर्व पूरी दुनिया के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो दिल्ली पुलिस के तरफ से क्या तैयारियाँ है और क्या लोगों को बताया गया है? देखिए, इसमें पुलिस पूरी तरह से तैनात है। जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो हमने कर लिए हैं। जैसे मेनली इस डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, आउटर डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें 53 घाट हैं छठ पूजा के मेन, जो सारा के सारे ट्रेडिशनल घाट हैं और जहाँ पे हर साल ही ये होता है, ये एक बड़ा सा आयोजन है। तो वहाँ पे हमने सीनियर अफसरों को भी तैनात किया है, सीसीटीवी कैमराज का इंतजाम किया गया है, वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं और सभी ऑर्गेनाइजर्स को भी मीटिंग बुला करके ब्रीफ किया गया है कि आप ध्यान रखें कि कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट या कोई एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ ना आए। और लोगों से भी हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के उधर ना जाएं, क्योंकि स्नैचिंग वगैरह के जो केस बढ़ते हैं उनसे हमारे लिए भी अननेसेसरी का काम बढ़ता है और लोगों का नुकसान भी होता है। तो ज़्यादा ज्वेलरी के साथ वहाँ ना जाएं, ज़्यादा ये ज़ोर से जो लाउड स्पीकर पे कुछ भजन वगैरह चलाते हैं, एक परमिसिबल लिमिट में ही वो चीज़ करें। वो एक ड्यू परमिशन के बाद ही हो पाता है, तो ऐसा ना करें कि विदाउट परमिशन के जोर जोर से जो ये ध्वनि वाले यंत्र हैं उन चीज़ों का यूज किया जाए, बिकॉज इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल ऑल्सो, दे आर ऑल्सो लिविंग देयर, दे मे नॉट बी डूइंग दिस छठ पूजा। तो थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमने लोगों से भी अपील की है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है इस चीज़ के लिए। जैसे हर साल होता है ये सफलतापूर्वक हम इस चीज़ को अरेंज कराते हैं, इस साल भी कराएंगे। सर, छठ पूजा एक आस्था का एक प्रतीक है, ऐसे टाइम पे कुछ लोग ऐसे हुड़दंग भी करते हैं और एक जो डांस लड़कियों का कराते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर? ये पहले से ही हमने एक वार्निंग और एडवाइजरी इसकी इशू कर दी है सभी ऑर्गेनाइजर्स को, तो उस ऑर्गेनाइजर को नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर जब छठ पूजा आएगी तो एक तो परमिशन नहीं दी जाएगी, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो आपने अभी बताई कि जो भी अश्लील कुछ प्रोग्राम चले या जो लिमिटेड अलाउ हम करते हैं कि ये एक्टिविटीज आप कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाके अगर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता है जो कि आसपास की सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, तो एक तो उनको नेक्स्ट टाइम परमिशन नहीं दी जाएगी और अकॉर्डिंग टू लॉ हम एक्शन लेंगे। पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है और जो भी मतलब आम जनता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना उसने आईपीसी में, तो अकॉर्डिंगली हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ताकि ये चीज़ एक डिटरेंट की तरह काम करे। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसमें कोई स्कोप नहीं है लीनियंसी का कि भाई लोग बागों को इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए। ये हम पहले ही कन्वे कर चुके हैं और आप भविष्य में देखेंगे भी कि इस चीज़ को ऐसा कुछ भी करने वाला आदमी हम वी विल नॉट स्पेयर देम। थैंक यू सर। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलकराज स्टम में मौजूद हूँ पुलिस लाइन के अंदर, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कुछ जनता, उनसे बात करते हैं जिस तरीके से छठ पूजा के जो नियम कानून के बारे में बताया गया है। तो अमित वर्मा जी जो डीसीपी एडिशनल ने क्या क्या बताया, क्या गाइडलाइंस है? उन्होंने सारी व्यवस्था के बारे में बताया, भाई सीसीटीवी लगाने हैं, दो गेट लगाने हैं, आपको अपने वाहन वॉलंटियर्स लगाने, अधिक संख्या होती है और बाकी जैसे मेटल डिटेक्टर या जो भी सुविधा होगी हमारे तरफ से डिस्ट्रिक्ट तरफ से दी जाएगी। हर वर्ष छठ मनाया था, इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, हमारे लोग रहेंगे, आप लोग को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नियम कानून के तहत आप चलिए और हम आपके साथ हैं। हमारे साथ साहब है, हमारे थाने से भी है,
हम लोग सारी बात समझी और कोशिश करें कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय आस्था का पर्व जो है लोग आस्था पर्व बढ़िया से मने और धूमधाम से मने और हम लोग उसके साथ जिससे जुड़े रहे और सब नियम कानून के तहत से पालन करें। कई जगह ऐसी समस्या भी आती है, महिला ज्वेलरी पहनकर आती है तीर्थ स्थल पर, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये निश्चित तौर पर भीड़ भाड़ में महिलाओं को जैसे थोड़ा संयमित रहना चाहिए और व्यवस्थित होकर जाना चाहिए। मतलब हमारे डीसीपी साहब ने, एसपी साहब ने भी हमें बताया कि भाई इस पर हम लोग को अंकुश लगाने की जरूरत है, भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है। ये मतलब आमतौर पर इसको देखा जाता है कि भीड़ भाड़ में लोग स्नैचिंग होती है और प्रॉब्लम होती है प्रशासन के लिए और पर्वों में खलल होता है। इसलिए अभी मैं भी अपील करूंगा राष्ट्रीय पार्टी के प्रधान होने के नाते, मैं चाहूंगा कि सभी लोग जैसे कि इसमें कम से कम ज्वेलरी पहन के और आस्था के पर्व को आस्था के रूप में मनाए, फैशन के रूप में नहीं मनाए। धन्यवाद। आइए बात करते हैं जिस तरीके से छठ पूजा का महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो क्या क्या गाइडलाइंस के बारे में, क्या क्या नियम के बारे में बताया गया है डीसीपी एडिशनल अमित वर्मा जी के द्वारा? डीसीपी साहब ने बताया है कि जो खासतौर से महिलाएं जो है ज्वेलरी पहन के आती है वहाँ पर जो लुटने वाले होते हैं उस प्रकार से उस तरह तो हमारे लोगों को ही, तो मैं ये निवेदन करूंगा महिलाओं से कम से कम आप ज्वेलरी पहन के ना आर्टिफिशियल पहने और ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पुलिस को हम लोग कॉपरेट करें, हम अपना भी सुरक्षा करें और दिल्ली पुलिस को भी कॉपरेट करें, जो दिल्ली पुलिस हमारे कॉपरेट के लिए खड़ी है और हमारे खास संस्था के जो लोग हैं वो भी अपने हिसाब से वॉलंटियर जिस हिसाब से जो व्यवस्था होती है ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा अपने प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखें ताकि हम सुचारू रूप से अपने कार्यक्रम को हम कर पाए, अपने त्योहार को मना सके। कहीं जगह एक समस्या भी आती है कि डीजे बड़ा शोर शोर से बजता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? डीजे तो जो सरकार की गाइडलाइन है उसी हिसाब से जो फॉलो सुप्रीम कोर्ट का है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक सांस्कृतिक कल्चर कार्यक्रम भी होता है साथ में, जो हमारे पारंपरिक पूर्वांचल की जो भी आस्था से जुड़े हुए जो चीज है वो तो हमको तो करना ही होता है, तो वही है जो आउटर लाइन है उसको हटाया जाए और अंदर लाइन के अंदर उनको जोड़ा जाए, ठीक है, ताकि पब्लिक को भी ना दिक्कत हो, हमें भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।